एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी मेलो एंड यू आर वाचिंग मेलोज किचन। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है फजी ब्राउनीज। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की ब्राउनीज बनी है ये, और विद इन 30 मिनट्स आपकी ये ब्राउनीज तैयार हो सकती है। आप लोग भी इसी तरह से आइसक्रीम के साथ, इनफैक्ट योगर्ट के साथ भी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए किचन में, देखें रेसिपी कैसे बनी है, और इतनी देर में मैं अपनी फजी ब्राउनीज आइसक्रीम के साथ एंजॉय कर रही हूँ। फजी ब्राउनीज बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 80 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर, 40 ग्राम्स कोको पाउडर, 250 ग्राम्स ब्राउन शुगर, 180 ग्राम्स बटर, 180 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 3 अंडे, आधी टी स्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट और 50 ग्राम्स चॉकलेट चंक्स। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर साइड पे रख देंगे। मैदा, कोको पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर, अब इसे छान लेंगे। बस अभी हम इसे साइड पे रख देंगे और वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ बाद में डालेंगे। अब हम लेंगे डबल बॉयलर। मैंने नीचे पानी पैन के अंदर थोड़ा सा डाला है, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। इसमें डालेंगे हम बटर, और चॉकलेट। अब इसे हम मेल्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो माइक्रोवेव में भी आप मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, बटर और चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। अब हम इसे जो है वो 10 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और उसके बाद हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ डालेंगे। अब हम एक बोल में ये तीनों अंडे डालेंगे, शुगर डालेंगे और इसे इतना बीट करेंगे कि ये लाइट और फ्लफी सा हो जाए। तो ये देखिए, अंडे और शुगर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल लाइट और फ्लफी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम डालेंगे जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी, बटर और चॉकलेट, ये डालेंगे। मिक्स करेंगे। और साथ ही हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इन द एंड अपने चॉकलेट चंक्स जो हैं वो डालेंगे, फोल्ड करेंगे। तो ब्राउनी पैन को मैंने बटर के साथ ग्रीस करके इसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर जो है वो लगा दिया है, और अब हम अपने बैटर को इसके अंदर डालेंगे। अब आपने इसे 180 डिग्रीज पे 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो ये देखिए, हमारी ब्राउनीज जो है वो बेक हो गई हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं और 15 टू 20 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो चले अब हम ब्राउनीज के स्लाइस करते हैं।
एक स्लाइस को स्कूप आउट करते हैं। वाओ, बहुत ही मजे की फजी ब्राउनीज बनी है। आप इसका टेक्सचर यहाँ से चेक कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रही है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखना, और जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल आपने वही इंग्रेडिएंट्स, और ओवर बेक नहीं करना, क्योंकि अगर आप ओवर बेक करेंगे तो आपकी ब्राउनीज जो हैं वो इस तरीके से फजी नहीं होंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की फजी ब्राउनीज की रेसिपी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ या कोई नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।